नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं बार काउंसिल के चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप एक आज एक आपने ऊंचाइयां छुई हैं। आप कह सकते हैं कि आपने अपनी फील्ड में वो सारी उपलब्धियां हासिल की हैं जो एक आम इंसान का सपना होता है, पर इसमें आपके माता पिता का भी एक अहम रोल है। तो सर, हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, किस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हुई। देखिए, पिताजी हमारे गोपालगंज, एक बिहार में जगह है, वहाँ वकालत करते थे। पहले वो एक सब डिविजनल वहाँ कोर्ट था, बाद में वो डिस्ट्रिक्ट बना 1980s में। छोटे जगह पे वकील थे, सिविल कोर्ट के वकील थे, हालांकि अपने जगह पे और अपने फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल थे। सिविल क्रिमिनल दोनों साइड में उनकी बहुत अच्छी वकालत थी। हमने उन्हीं से प्रेरणा लेके, बल्कि मैं बताऊं आपको, मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा थी और मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा। जूलॉजी में ऑनर्स हमने किया छपरा राजेंद्र कॉलेज से, बड़ा अच्छा रिजल्ट था मेरा। उसके बाद उन्होंने, उनकी बार बार इच्छा थी कि तुम वकालत पढ़ो। बाद में अब चूंकि फादर हमारे लिए आदर्श थे तो उनका कहना मानना पड़ा। वकालत में हमने एडमिशन लिया, तब तक हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हम सेलेक्ट हो गए डिप्टी कलेक्टरशिप के लिए। तो सारे गार्जियंस को खुशी होती है कि बेटा मेरा अफसर होगा, कोई क्लास टू अफसर होगा। मेरे पिताजी बहुत दुखी हो गए कि मेरा जो एक सपना था कि इसको वकील बनाएंगे, अब लगता है कि। तो मैंने देखा पिताजी की हालत, मैंने पूछा भी कि अब इतनी बड़ी उपलब्धि है, आप क्या कह रहे हैं। तो कहे कि तुम बहुत अच्छे वकील होते, अब ये तुम पे छोड़ रहा हूँ कि तुमको क्या करना है। माँ ने कहा कि बेटा, बाबूजी की इच्छा तुम्हारी जो है वही करो, अच्छा करोगे। मैंने उस सर्विस को छोड़ दिया, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। वकालत की अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखी और मैं ठीक ठाक हूँ। बिल्कुल, हाँ, मुझे जैसे भी ऑफर हुआ था। 2006 में हमारे पिताजी का देहांत हो गया, 2007 में हमें ऑफर हुआ। तो बाय दैट टाइम हमको लगा कि पिताजी ही खुश होते देख के, माँ पिताजी कोई नहीं थे उस समय तक। तो मैंने उसको ठुकरा दिया, चूंकि बाय दैट टाइम हम सीनियर डेजिग्नेट हो गए थे, एक अच्छी वकालत हमारी पटना हाईकोर्ट में हो गई थी। सर, शुरुआती दिनों में जब आपने लॉ प्रैक्टिस शुरू की होगी तो कुछ तो मुश्किलें आई होंगी, क्योंकि ये कुछ नहीं, मुश्किलें ही मुश्किल। कैसी है सर? मुश्किलें ही मुश्किल। देखिए, अब चूंकि हमारे लिए झेलना थोड़ा आसान था, मैंने बचपन में देखा था कि पिताजी ने कैसी कैसी मुश्किलें झेली थी, बड़ा स्ट्रगल उन्होंने भी किया था। और वकालत में शुरू में एक तो क्लाइंट मिलना सबसे मुश्किल। आप अगर अच्छे घराने के नहीं हैं तो किताब आपको, जर्नल खरीदना है, किताब की ज़रूरत है, एक अच्छी लाइब्रेरी चाहिए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। खैर, भगवान की कृपा थी कि जब हमने ज्वाइन किया तो वो सारी सुविधाएं हमको पिताजी की वजह से मिल गई, क्लाइंट्स भी मिल जाते थे। लेकिन फिर भी वकालत के शुरुआत में जो प्रॉब्लम आदमी को रहता है, क्लाइंट मिला, आप केस लूज कर गए, तो लगता है कि कितना बड़ा नुकसान हो गया। उस समय लगता है कि बहुत बड़ा झटका लगता है, कितना मुश्किल से एक केस हमको मिला, वो हम लूज कर गए। उसका सीधा असर परिवार पे पड़ जाता है। हम सिविल कोर्ट में 2 साल वकालत किए पिताजी के अंडर, उसके बाद हम हाईकोर्ट ज्वाइन किए। उनकी इच्छा थी कि मैं हाईकोर्ट पर रहूं, तो हाईकोर्ट में तो स्ट्रगल करना पड़ा बहुत मुश्किल से। पिताजी महीने में 1-2 केस भेजते थे, कभी लूज कर गए तो टेंशन, रात भर नींद नहीं आए, 2-3 दिन आदमी डिस्टर्ब रहे। और वही मैं कह रहा था कि नए दिनों में, शुरू के दिनों में ये सारे टेंशन झेलने पड़ते हैं। आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक लाइब्रेरी चाहिए, एक छोटी सी व्हीकल चाहिए कोर्ट तक पहुँचने के लिए, एक छोटा मकान चाहिए, किराए में जल्दी वकील को कोई मकान नहीं देता है। हाँ सर, ये तो लोगों को ऐसा लगता है कि लिटिगेशन में पड़ जाएंगे, हालांकि लोगों का मानना ये गलत है।
वकील जो सही है वो कभी चाहता नहीं है कि हम लिटिगेशन में पड़े, लेकिन एक लोगों के दिमाग में भ्रम है, उसके शिकार हम भी हुए। पटना में बड़ी मुश्किल से हमको एक किराए का मकान मिला था शुरू में, बाद में हमने अपना बनाया, लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स रहते हैं जी। सर आप 1982 में पटना हाई कोर्ट आ गए और वहाँ प्रैक्टिस करने लगे, उसके बाद सर आप बिहार स्टेट बार एसोसिएशन में भी आप एज अ सदस्य चुने गए, तो ये कैसे आपने शुरू किया एक? देखिए वो चूंकि हम स्टूडेंट जब थे पटना लॉ कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, और हालांकि स्टूडेंट हम पॉलिटिक्स में भी थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, लेकिन हम पढ़ने लिखने में हम लोग ठीक थे, पटना यूनिवर्सिटी के हम टॉपर थे लॉ के। लेकिन उस समय एक सबसे बड़ी समस्या थी पटना यूनिवर्सिटी की कि हमारे सेशन जो है सो 3-3 साल लेट थे, तो लीडरशिप का एक मौका मिला हमको कि भाई हम 3 साल क्यों सफ़र करेंगे, 3 साल का कोर्स हम 6 साल में क्यों करेंगे। हम लोगों ने आवाज़ उठाई, हमारे स्टूडेंट्स जो भी हमारे ब्रदर्स थे उनका ये मिला, हम लोग 3 साल का कोर्स एकदम 3 साल में ख़त्म किए। तो हमको लगा कि वकालत में भी जो समस्याएं हैं शुरू में, तो हमने एक बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति का के नाम से एक हमने एक संघ बनाया पूरे बिहार के लिए, और परिचय हो गया धीरे धीरे चारों तरफ। तो अब हमको लगा कि स्टेट बार काउंसिल का चुनाव भी लड़ना चाहिए, चूँकि वकीलों के कल्याण के लिए कुछ काम होना चाहिए, और मुझे लगा कि उस समय सबसे कम उम्र में हम 82 में पटना हाई कोर्ट ज्वाइन किए और 89 में हम इस बिहार स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हुए। पटना हाई कोर्ट से निकलकर दिल्ली आना कितना परिवर्तन था आप यहाँ के माहौल में और यहाँ के लोगों के बीच में, आपको एक्सेप्ट करना कि ठीक है आप पटना से आए हैं, तो कभी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा इसमें? देखिए ऐसा है कि थोड़ी दिक्कत नए जगह पे जाने पे जरूर महसूस होती है, समस्याएं तो होती हैं। पटना हाई कोर्ट में कोई बहुत अच्छा अगर वकालत कर रहा हो और तुरंत हमने अपने प्लेस ऑफ प्रैक्टिस चेंज कर दी, सुप्रीम कोर्ट आ गए, लेकिन हमको ज़्यादा मुसीबत का ज़्यादा समस्या हमारे सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि पटना हाई कोर्ट में हमने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था। पटना हाई कोर्ट में अपनी पहचान एक अपने सीनियर डेजिग्नेशन के वजह से और दूसरा बार काउंसिल के वजह से भी एक पहचान बनी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आदमी काम करेगा, मेहनत करेगा, तो हमको नहीं लगता है कि कहीं भी कोई चीज चैलेंजिंग है उतना। सर आप 5वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किए गए, इससे पहले जेठमलानी जी थे और मिश्रा जी थे, वो भी 2 बार रहे, आप 5 बार, ये कैसे मुमकिन है सर? नहीं देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन मैं 2012 में पहली बार चुना गया। मुझे लगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, जो फंक्शन उसको डिस्चार्ज करने हैं, उसमें बहुत सी कमियां हमको खामियां नज़र आईं। तो शुरू के दिनों में हमारे प्रोफेशन पर इसका ज़रूर असर पड़ा, चूँकि मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ा, मैं खुद को चेयरमैन समझता ही नहीं हूँ, इंस्टीट्यूशन का हेड हूँ, लेकिन हमारे जो भी मेम्बर्स हैं और एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी के हमारे जितने लोग हैं, मैं ये समझता हूँ कि सबको ये महसूस कराऊँ कि वो खुद चेयरमैन है। हमारे सारे मेंबर्स ये महसूस करते हैं कि वो चेयरमैन हैं, और मैं डाउन टू अर्थ रहता हूँ, काम में विश्वास रखता हूँ, लीगल एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसे इम्प्रूव करूँ, प्रोफेशन का स्टैंडर्ड कैसे इम्प्रूव करूँ, और खुद को इम्प्रूव करके कैसे एक लोगों के सामने अपने आप को आदर्श के रूप में पेश करूँ, तभी मैं किसी को कहने के काबिल रहूँगा कि भैया इस ढंग से करना चाहिए। तो वो करता हूँ, और मुझे लगता है कि वही वजह है कि लोग समझते हैं, हमारे जो वोटर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो समझते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ इस फ्रेटर्निटी के लिए और इस इंस्टीट्यूशन के लिए, तो मुझे लोग कंटिन्यू कराते हैं। बार काउंसिल हमेशा से वेलफेयर के लिए वर्क कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सुधार की बात करती है, तो वकीलों के वेलफेयर के लिए क्या काम कर रही है? देखिए बार काउंसिल एक वेलफेयर का हमारे पास एक स्कीम है, हम कोई वकील अगर बीमार पड़ गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो वैसे केसेज में हमारे पास जो भी लिमिटेड फंड्स है, गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं मिलता है, मैं बताऊँ आपको, स्टेट गवर्नमेंट्स के हमने बहुत लड़ाई की 1980s में,
तो हर एक स्टेट में लगभग एक ट्रस्टी कमिटी है, उसमें हम अपने से कंट्रीब्यूट करके स्टेट स्टाम्प छापती है, और वो वेलफेयर का स्टाम्प कहा जाता है, और जिस जिस किसी स्टेट में वो स्कीम लागू है उस स्टाम्प के वजह से एक फंड क्रिएट होता है। उसमें किसी के डेथ के केस में किसी के कोई सीरियस बीमारी हो गई तो उसमें हम जितना बन पड़ता है उतना योगदान देते हैं। इंश्योरेंस के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात चल रही है, माननीय कानून मंत्री ने हमें श्योर किया है, एक कमिटी भी बनी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें हैं, हम प्रयास में हैं कि इस साल उसको लागू करा दें। सर, बार एंड बेंच की बात की जाए, अगर हम पहले देखते हैं तो जो एक जनरल डिस्कोर्स भी होता था उसमें एक ह्यूमर होता था, एक रिलेशनशिप थी, जो अभी कहीं ना कहीं वो मिसिंग है, या फिर हम कह सकते हैं वो तालमेल की कमी आ गई है, तो उसमें कैसे बार काउंसिल की क्या भूमिका है कि वो इस चीज को फिर से रिस्टोर करे, फिर से उसको अच्छे से उस रिलेशन को डेवलप करे। देखिए, दो लेवल, एक तो हायर जुडिशियरी, एक लोअर जुडिशियरी। तो हायर जुडिशियरी में नॉर्मली उतना प्रॉब्लम नहीं है, इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जिनके वजह से ये एक उदाहरण बन जाता है कि भाई बार एंड बेंच पे रिलेशनशिप ठीक नहीं है। अदरवाइज हमारे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में नॉर्मली, चूंकि वजह ये होता है कि वकील से जज बनते हैं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वकालत में ज़्यादा दिन रहने के बाद वो फिर बेंच में जाते हैं, तो वकीलों की क्या समस्याएं हैं उससे वो बखूबी वाकिफ होते हैं। तो यहाँ ज़्यादा समस्या नहीं है, और एक बीच में आपने देखा होगा ज़्यादा कदा समस्याएं अगर सुप्रीम कोर्ट में उत्पन्न हुई तो हमने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसमें आगे, बहुत आगे पहल करके हमने उसको सुलझाया। अगर वकील गलत है तो हम जरूर कोशिश करते हैं कि भाई उसको नोटिस करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना हो तो वो करें। वो नौबत अभी तक आई नहीं कार्रवाई की, सब मामला सुलझ जाता है, छोटा मोटा होता है। लोअर जुडिशियरी में ये समस्या आजकल इसलिए आ रही है कि पहले ये अनिवार्य था कि 3 साल की वकालत के बाद ही कोई मजिस्ट्रेट या मुंसिफ बनेगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट से उस चीज को हटा दिया, तो समस्या वहां से खड़ी हुई। वो LLB पास किया और वो आदमी तुरंत मजिस्ट्रेट हो गया, जुडिशियल ऑफिसर हो गया। उसको बार की क्या समस्याएं हैं, बार के सीनियर से कैसे बिहेवियर उनका होना चाहिए, ये सब का कोई उनके पास अनुभव ही नहीं होता है, तो समस्या उसके वजह से ज्यादा हो गई है। जी सर, आपने जैसे बोला कि वकीलों को भी समस्याएं होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत बार ऐसा सुनने में आता है अलग अलग स्टेट में, कि चाहे यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो कई बार ये हम देखते हैं कि वकीलों से लोग डरने लगे हैं, इसको कह सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर तोड़ फोड़ कर देना, इसको आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, हर फील्ड में और हर क्षेत्र में कुछ न कुछ गलत लोग हैं, मेजोरिटी है वो अच्छे लोगों की है, तभी ये इंस्टीट्यूशन चल भी रहा है। वकीलों से लोग डरते तो आज की तारीख में न्यायपालिका का स्तंभ होता है वकील वर्ग, और सबसे ज़्यादा लोगों को विश्वास भी है तो वकील और जज पे ही है। हम अपने वकील से, कोई हमको दिक्कत है तो वकील साहब से ही कहेंगे और उनको समाधान भी वहीं से मिलेगा, वकील साहब ही कोर्ट से कहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वकीलों से डरने की बात, हाँ कुछ एलिमेंट्स जरूर, हम आपका कहना सही है, कुछ एलिमेंट्स हाल के दिनों में आ गए हैं, हम इसके लिए लगे हुए हैं कि वैसे एलिमेंट्स को वीड आउट कर दें, प्रोफेसर से बाहर करें, और हमने अपनी जो हमारी डिसिप्लिनरी जो अपने पावर हैं उसको भी इधर ज़्यादा हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है। वैसे एलिमेंट्स की वजह से हड़ताल भी ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफर करता है इंस्टीट्यूशन भी, सफर करता है, तो हम लगे हुए हैं उसमें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आज लीगल एजुकेशन की क्या स्थिति है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लीगल एजुकेशन में लगातार हम प्रयासरत हैं सुधार लाने के। लॉ कॉलेजेस हमने अभी हाल के दिनों में 100 से ऊपर लॉ कॉलेज बंद किया है, जिनके पास अच्छे टीचर नहीं है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
सबसे दिक्कत होती है लॉ कॉलेजेज में टीचर्स की, अच्छे टीचर मिलना मुश्किल है, और LLM या PhD होना चाहिए वही एक लॉ का टीचर हो सकेगा। LLM बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, वो यूनिवर्सिटी कंट्रोल करती है, UGC कंट्रोल करती है। तो LLM का वो जो LLM की डिग्री है बड़ी सस्ती बिक रही है, मैं कहूँ ओपनली। और टीचर का जो और टीचिंग का जो स्टैंडर्ड जा गिरता जा रहा है उसके पीछे ये इसका बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग लगे हुए हैं, अभी UGC ने या गवर्नमेंट ने कहा है कि LLM भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखेगी। हम जब टीचिंग के स्टैंडर्ड को, दूसरा जो समस्या है अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम्स, लार्ज स्केल पे बहुत से जगह पर जो सुदूर इलाके हैं, रिमोट प्लेसेज हैं, वहाँ पे चोरी होती है, वो चोरी हम नहीं देख सकते हैं। या तो लॉ टीचर इनविजिलेटर होता है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर, यूनिवर्सिटीज का काम है, तो सबको मिल के देखना पड़ेगा। हम तो स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, अच्छे सिलेबस जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सिलेबस हैं वो हम देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अच्छे टीचर्स हों, लीगल एजुकेशन में लगे हुए हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2-4 साल में इसका रिजल्ट भी सामने आएगा। सर, हम लीगल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो अभी बहुत मशरूम की तरह बहुत सारे लॉ कॉलेजेस ओपन हो गए हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हुई है उसका स्तर गिरा है, तो इसके लिए BCI किस तरीके का रोल कर रहा है, क्योंकि BCI का जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली है, आप इसमें किस तरीके से मॉनिटर करते हैं? हम रेगुलेटर हैं लीगल एजुकेशन के, मैं बता रहा हूँ। 3 साल माने कमिंग 3 ईयर्स, अगस्त 2019 में हमने मॉरिटोरियम लगा दिया, आने वाले 3 साल तक कोई नया लॉ कॉलेज देश में नहीं खुलेगा। 100 लॉ कॉलेजेज ऐसे जो कि जिनके पास टीचर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनको हमने बंद किए हैं। हम सरप्राइज इंस्पेक्शन, हमारे इंस्पेक्शन होते हैं और हमारी टीम, इट इज हेडेड बाय ए फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट, उसमें 2 प्रोफेसर जाते हैं, अच्छे माने मिनिमम वो एसोसिएट प्रोफेसर होंगे कहीं के, वो जाते हैं, अच्छे एडवोकेट्स जाते हैं, सरप्राइज इंस्पेक्शन करके हम कॉलेजेस को बंद कर रहे हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 5 साल के अंदर सिर्फ अच्छे कॉलेजेस रह जाएंगे। दूसरा, हम फिल्टर आउट कर रहे हैं, जो चोरी से पास कर गया उसको वकालत का सर्टिफिकेट नहीं देंगे जब तक वो ऑल इंडिया बार एग्जाम पास नहीं करेगा जी। तो उसके वजह से बहुत से कॉलेजेस अपने आप खत्म हो रहे हैं, जो डिग्री देने वाले कॉलेजेस थे वो धीरे धीरे खुद ही खत्म हो रहे हैं। सर, बार और बेंच के बीच में एक BCI कह सकते हैं एक सेतु की तरह काम कर रहा है, तो इसमें आप अपनी भूमिका कैसे देखते हैं? देखिए, बार और बेंच का जो रिलेशनशिप है, दोनों मिल के ये जुडिशियल सिस्टम कहलाते हैं। इसमें बार का बहुत बड़ा योगदान है। बार अगर प्रॉपर असिस्टेंस नहीं दे तो एक अच्छा जजमेंट नहीं आएगा। हम बार का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं रहे तो अच्छे जजेस नहीं बनेंगे। तो ये रिलेशनशिप ऐसा है, और उसके बाद जज अगर वो बन गए, उसके बाद अगर हमसे रिलेशनशिप सही नहीं हो तब भी जजमेंट पे असर पड़ेगा, जिससे पब्लिक सफर करेगी। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसके लिए लगातार प्रयास करती है कि रिलेशनशिप, चाहे वो लोअर लेवल पे हो या एपेक्स कोर्ट का हो, ये रिलेशनशिप हम बना के रखें। सर, एक्सेस टू जस्टिस की बात करें तो एक हर व्यक्ति को न्याय मिले, उसको किस तरीके से BCI इस पे किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए, एक्सेस टू जस्टिस में हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय का भी अभी एक आया हम लोगों के पास, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय के माध्यम से एक फंक्शन में उन्होंने कहा कि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देखना चाहिए, बियॉन्ड रिच हो जाता है कहीं से, जो बहुत से क्लाइंट्स हैं जरूरतमंद हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बहुत से वकीलों को काफ़ी, तो इसमें हम इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिए हैं। फी कभी कभी बहुत ही अब नॉर्मल कुछ वकील लोग ले रहे हैं, और हम इसके लिए लीगल एड तो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी चला रही है, गवर्नमेंट का भी एक वो है जुडिशियरी के थ्रू जो चलता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत, लेकिन लीगल एड से ही काम नहीं चलेगा, अच्छे वकील की ज़रूरत है। तो उनको भी हम प्रयास कर रहे हैं कि परसुएड करें कि अगर कोई ज़रूरतमंद ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है आपका उतना फी, तो थोड़ा सा आप प्रो बोनो भी काम करें,
कुछ लीगल एड दें, और जो ज़रूरतमंद हैं सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े बड़े लोगों को ही आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उससे समाज की सेवा नहीं हो रही है। तो हम प्रयास में हैं कि सबको परसुएट करके, सबको ये जस्टिस एक्सेस हो सके। सर, आजकल पेंडेंसी एक बड़ी समस्या है, मतलब आप कह सकते हैं केसेस का बड़ा अंबार लग जाता है, और कई बार ये होता है कि जजेस कहते हैं कि लॉयर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, तो कई बार लॉयर्स कहते हैं कि जजेस की कमी है। इसको किस तरीके से हम लेंगे सर? सबसे बड़ी चीज है ये, लॉयर्स के लिए लोग कहते हैं कि एडजॉर्नमेंट लोग बेकार ले लेते हैं। एडजॉर्नमेंट का हम प्रेयर कर सकते हैं, वकील को वही यह है कि वो एडजॉर्नमेंट का की मांग कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। एडजॉर्न करना है केस को कि नहीं करना है, इट इज फॉर द जुडिशियल ऑफिसर एंड द जजेज। ऑर्डर तो उनको करना है, आप रिफ्यूज कर दीजिए। ये बहाना कि वकील जो है सो एडजॉर्नमेंट लेके डिले करना चाह रहे हैं, वो गलत है। वकील तो देख रहा है कि हमारे पास मुकदमे नहीं आ रहे हैं, सिविल केसेज, पार्टीशन सूट्स फाइल होने बंद हो गए डिले के वजह से, क्लाइंट आता ही नहीं है। वो समझता है कि आज हम एक पार्टीशन सूट दायर करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले 100 वर्ष में उसका डिस्पोजल हो कि नहीं, गॉड नोज। ऑफिसर्स नहीं है, लोअर कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, आप देख लीजिए वैकेंसीज। तो इसके लिए जुडिशरी भी ये मान रही है, गवर्नमेंट भी मान रही है, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन सबके बावजूद अभी मामला पेंडिंग है, लंबित है उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में। जजेज कह रहे हैं, जस्टिस एस के कॉल साहब की बेंच पे वो मामला है कि भाई इतना दिन, एक वो टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि इतने दिन के अंदर वैकेंसी जो हो तो इतने दिन का उसकी फिलअप हो जाना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। तो जब एक तो सैंक्शन स्ट्रेंथ कम है, उसको बढ़ाइए। आज से 30 साल 35 साल पहले जो सैंक्शन स्ट्रेंथ था, आज के तारीख में पॉपुलेशन बढ़ा, लिटिगेशन का नंबर बढ़ा, तो उस हिसाब से जजेज का नंबर भी बढ़ाइए। और आप वो नहीं कर रहे हैं, बढ़ा तो नहीं रहे हैं, जितना नंबर है उतना भी आप वैकेंसी फिलअप नहीं करते हैं टाइम पर, तो इसके वजह से पेंडेंसी है। सर, पेंडेंसी के बीच में एक जैसे कि आर्बिट्रेशन की बात करते हैं, मीडिएशन, वो कितना अहम रोल निभाता है? मीडिएशन तो माननीय जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उनका एक हम लोग को सजेशन आया कि मीडिएशन शुड बी ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, तो हम लोगों ने सिलेबस में उसको करने का फैसला ले लिया है। आगामी सत्र से जो एकेडमिक सेशन होगा, एक मीडिएशन विल बी ए सब्जेक्ट। प्री मीडिएशन भी, अगर लिटिगेशन के पहले अगर मीडिएशन का एक स्टेप हो, उससे भी बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन उस मीडिएशन के लिए भी कानून की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने उसको सिलेबस में इंक्लूड करने का फैसला लिया है। आर्बिट्रेशन जो वर्ड है, आर्बिट्रेशन वर्ड नॉर्मल क्लाइंट तक नहीं पहुंचा जी, बिल्कुल, कॉर्पोरेट जगत तक ही ये सीमित होकर आ गया, तो इसीलिए अब मीडिएशन की जरूरत है। माननीय जो हमारे सीजीआई साहब हैं, उनका ये कहना हम लोग को बड़ा अच्छा लगा, उनका ये विचार हम लोगों ने तुरंत एक्सेप्ट किया, और मीडिएशन से हम उम्मीद करते हैं कि लिटिगेशन का नंबर कम होगा। सर, बीसीआई के सामने अगर देखा जाए तो क्या बड़ी चुनौतियां हैं, अगर आप आज के सिनेरियो में देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि हमें इससे पहले इस पे काम करना बहुत जरूरी है? देखिए, दो चीजें हैं, हमें लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करना है, लीगल एजुकेशन, दोनों चीजों को रेगुलेट करना है। दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों को एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते हैं। पहले लीगल एजुकेशन का स्तर आता है, वो स्टेप जब हम उसको बखूबी पार कर लेंगे तभी हम प्रोफेशन का स्टैंडर्ड बढ़ा पाएंगे। ये कानून ने हमको दोनों अधिकार इसीलिए दिए हैं कि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार ही इसको कर सकती है। लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड के लिए हम लगातार लगे हुए हैं कि उसको इम्प्रूव करें। प्रोफेशन के लिए ऑल इंडिया बार एग्जाम हमने एक वो किया है, उससे भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। आप कहीं से अगर लॉ डिग्री किसी तरह हासिल कर लिए और नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज, तो आपको वकील नहीं बनने देंगे, वकालत नहीं करने देंगे। उसके बाद हम कंटिन्यूअस लीगल एजुकेशन का एक मेरा स्कीम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, हम उसके लिए लगे हैं कि हम कंपल्सरी ट्रेनिंग, 15 साल तक के वकील को एक कंपल्सरी ट्रेनिंग लेनी होगी। साल में उसको कम से कम 25 दिन की वो ट्रेनिंग होगी, वो अटेंड नहीं करेंगे
तो हम उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं करें। करीब 17-18 लाख वकील हैं पूरे देश में। हमने एक वेरिफिकेशन रूल लागू किया कि उससे जो लोग बिजनेस में या किसी दूसरे जॉब में भी रह के कभी कभी काला कोट लगा के कोर्ट कैंपस में चले आते हैं उनको हम अलग करें। कुछ फेक लोग थे बिना डिग्री के, वो काला कोट लगा के आते थे, उनको कैसे ये करें। चैलेंजेज हमारे सामने हैं, हम उसको बखूबी हम फेस भी कर रहे हैं और उनका निदान कर रहे हैं। सर, आप नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? नई युवा पीढ़ी हमारे देश की खास करके, मेरा ये संदेश होगा कि राजनीति का स्तर बड़ा गिर गया है, आप देख रहे हैं। तो किसी ढंग के किसी राजनेता, किसी राजनीतिक पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, उससे दिग्भ्रमित ना हो जो हमारी युवा पीढ़ी है, खास करके विद्यार्थी वर्ग, वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, देश के भविष्य पे ध्यान दे। सियासत की जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो एस्टैब्लिश वकील भी हैं वो भी कई बार सियासत का एक बार हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, यहाँ कुछ कहूँगा तो बात, उनको उस समय हम वकील नहीं मानते हैं, वो पॉलिटिशियन मानते हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो कुछ कह रहे हैं। इसीलिए मैंने, आपने कहा कि युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे, उनकी बात मत सुनिए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों, वो वकील हों, कुछ भी हों, आप खुद देखिए, आप अपना दिमाग अपना माइंड अप्लाई कीजिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। कॉलेज कैंपस में, हमको कॉलेज में पढ़ाई के लिए आए हैं, उस समय अगर हम अपने स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, उसी समय से पॉलिटिक्स करने लगेंगे और गलती गंदी पॉलिटिक्स में लग जाएंगे तो देश का भविष्य अंधकार हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा है कि युवा पीढ़ी को बड़ा ही सजग होकर चलना पड़ेगा, और लोगों से भी, जो हमारे सीजन लोग हैं, पढ़े लिखे खास करके बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वकील हैं, उनको ये कहूँगा कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ है, पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा भी ना हो कि देश के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करके कुछ कोई बयान दे दें, अनाप शनाप कुछ भी बोल दें, युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित कर दें, तो हमको खुद भी बचना होगा उससे। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर, आपने इतने अहम मुद्दों पे हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।